हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भाव संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तापित श्रील प्रभुपाद जी के यह 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवत सप्ताहों का इन श्रृंखलाओं में पूतना उद्धार कथा के छठे दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएँ स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं, श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं आयतों की कृपा से हम आप उनके छत्र छाया के अधीन आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं, और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह श्रवण का, कीर्तन का, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यह भागवत विधि का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, श्री श्री गौरनिथाए, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्म पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हम हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हम अपने गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है और नित्य स्मरणीय है, वंदनीय है और पूजनीय है, उनके चरणारविंद में भी कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महा अनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस कथा के ओर अग्रसर होते हैं, आज के इस सत्संग को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है, यह श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है, यह श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम बंधु है, मित्र है, यह श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का जो है असली संगी है या परम संगी है, यह श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, यह श्रीमद् भागवतम जो है वे एक भगवान साक्षात है, भगवान का वांगमय स्वरूप है, श्रीमद् भागवतम जो है परमहंस संहिता है, परमहंस चक्र चूड़ामणि विरक्त शिरोमणि संत शिरोमणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर आमरण अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को, विष्णुरात को, राज ऋषि को उन भगवान के कथाएं श्रवण करा रहे हैं, और उन कथाओं में भी कल कथा प्रसंग में हम श्रवण करते आए हैं किस प्रकार से गोपियों ने भगवान कृष्ण की रक्षा हेतु अपने जान को, अपने जीवन को खतरे में डालकर उस पूतना का पीछा किया और उस पूतने का जो मृत शरीर है उसे उस बच्चे को खींच निकाला। यह ब्रजवासी, यह ब्रज का भाव, यह है कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस का अर्थ होता है कि कृष्ण के लिए हम जिएंगे, कृष्ण के लिए हम मरेंगे। वो जीना भी क्या जीना है जिसमें कृष्ण का खुशी ना हो, वो जीना भी क्या जीना है जिसमें कृष्ण जो है प्रसन्न नहीं है। तो कृष्ण को प्रसन्न करना एक चीज़ होता है,
और यही जो है हम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की ओर से लोगों को देना चाहते हैं, प्रभुपाद जी हमें देना चाहते हैं और लोगों को देना चाहते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस करते हैं, यह जो भाव है ब्रजवासियों का, कृष्ण को खुश करने के लिए जीना है और कृष्ण को खुश करने के लिए मरना है। बात यह है, अगर आप हम कहेंगे अरे 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 आप तो बताए थे जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, रुको जरा, अगर कृष्ण को खुश करना यही जीवन है तो हमारा खुशी के बारे में क्या? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा खुशी जो है ये तब होगा जब कृष्ण खुश होंगे। कहते हैं कि कृष्ण जब प्रसन्न हो जाएंगे तो पूरा जगत प्रसन्न हो जाए। यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि, कृष्ण को प्रसन्न करने से, कृष्ण को प्रसन्न करने से वास्तव में हमारी भी खुशी है। इस बात को एक दृष्टांत से बताने का प्रयास करूंगा। जैसे 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 एक छोटा बच्चा है, मान लो वो अगर अपने पिता को खुश कर देता है तो उनके पिताजी उनके लिए खूब सारे तोहफे और खूब सारे खिलौने और खूब सारे जो है सुविधा उनको प्रदान करेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर वही बच्चा अगर पिताजी को बहुत कष्ट देता है तो पिताजी ठीक है उनको रोटी कपड़ा देंगे पर ज़्यादा सुविधा नहीं देंगे। इसी प्रकार से कृष्ण को अगर हम प्रसन्न करेंगे तो कृष्ण अपार सुख, जो शांति जो हम चाहते हैं, जिसका हम जन्मसिद्ध अधिकार रखते हैं, वो सुख जो बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, और ऐसा सुख जिसमें कोई रुकावट ना हो, ऐसा सुख के हम अधिकारी हैं और वो कृष्ण देंगे। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा अष्टकम में कहते हैं कि आनंदम अम्बुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, एक एक पग पर, एक एक पल पर इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि हम भूल जाएंगे दुख नाम का भी चीज़ कभी हमारे जीवन में था, इतना सुख देंगे। अगर हम कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर रहे, लोग जी रहे हैं, हाँ पूरा संसार चल रहा है, भौतिक जगत चल रहा है, हाँ पंछियाँ उड़ रही हैं, प्राणियाँ जी रहे हैं, जलचर जी रहे हैं, ये जीना भी जीना है, पर इस प्रकार के जीवन में केवल रोटी कपड़ा, रोटी मिलता है, कपड़ा मनुष्यों को मिल जाता है, बाकी जो है वो सुख, वो आनंद, वो शांति खोजते हुए भी नहीं मिलेगा। आजकल जो चाहिए वो गूगल में मिल जाता है, सही बात है, पर वो सुख, वो शांति, वो आनंद, वो गूगल के बक्स की बात नहीं, वो कृष्ण के पास है। शर्त यह है, अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे तो अपने आप हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। एक और दृष्टांत देता हूँ। मान लो दंपति, दंपति क्या होता है, पति पत्नी, और ये मान लो कि वैदिक दंपति, वैदिक यानी कि सनातन धर्म के अनुयायी या पवित्र जीवन व्यापन करने वाले, अगर पत्नी अपने पति को खुश रखता है तो पतिदेव उनके लिए साड़ी लाएगा, उनके लिए गहने लाएंगे, उनके लिए मिठाई लाएंगे, उनके लिए फूल लाएंगे, उनके लिए बहुत कुछ लाएंगे। बात समझ में आ रहा है आप सबको, है ना? अगर मान लो कि वो पत्नी उन पति को सुख नहीं प्रदान कर रही है तो पतिदेव थोड़े समय के लिए देंगे, फिर बाद में बोलेंगे ठीक है इसको जैसे जीना है जीने दो, रोटी कपड़ा देंगे, बाकी गहने इत्यादि नहीं देंगे। तो जब हम कृष्ण को प्रसन्न करने जाएंगे, कृष्ण के लिए जो कुछ भी करने जाएंगे तो कृष्ण हमें प्रसन्न होंगे और हमें प्रसन्नता ज़्यादा देंगे। बात एक ही ध्यान में रखना, ब्रज में ब्रजवासी जो है ये नहीं देखा कि इतने बड़े राक्षसी मरी हुई है, पूतना मरी हुई है, अगर हम उनके पास जाएंगे तो हमारा क्या होगा, अगर वो जग जाएगी, हाँ एक उनका हाथ पड़े
तो चटनी हो जाएगा, क्योंकि इतने इतने पेड़ चूर्ण हो गए थे। और वो कितनी लंबी थी, 24 किलोमीटर, 12 माइल, 6 कोस, है ना, 1 कोस 2 माइल होता है और 1 माइल 2 किलोमीटर होता है, 24 किलोमीटर्स यहाँ से लेकर अंधेरी तक, हाँ मीरा रोड से लेकर अंधेरी तक, इतना बड़ा शरीर। तो ये लोग सोचे नहीं, सीधा भागे उनके शरीर के ऊपर, कृष्ण को उठाए, फिर उनको गौमूत्र से गोबर से स्नान कराएं, फिर तिलक लगाएं, फिर आचमन करके उनका भगवान का नाम से उनका एक एक अंग प्रति अंग को रक्षा करने के लिए जो है प्रार्थना किए। कृष्ण नाम से रक्षा हो जाता है, ये कल हमने देखा। अब जो है ब्रजवासी जो लोग मथुरा गए थे वो वापस आ रहे हैं, पूरा रात वो लोग बैलगाड़ी में थे, टिक टिक टिक, या जल्दी जल्दी सुबह निकले, बोला ये तो उस बात को जो है यहाँ पर दिखाया जाएगा। बात यह है कि हम सब सुख चाहते हैं, हम सब सुख चाहते हैं, और ये सुख जो है कृष्ण के पास है, कृष्ण सुख का स्रोत है, और वो कृष्ण से हम अपना संबंध बनाएंगे तो अपार सुख हमें मिलेगा। और आज जो लोग सौभाग्य हैं वो जाने अनजाने में कृष्ण से जुड़ जाते हैं और उनका सुख बढ़ता है, और दुर्भाग्यवश बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो भगवान से अपना संबंध बना नहीं पा रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगर कृष्ण को खुश करने के लिए जिएंगे तो हमें कौन खुश करेगा, इसलिए वो पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि पैसे कमाने से बड़ा बंगला मिलता है, बड़ा गाड़ी मिलता है, बड़ा अच्छा खाना पीना कपड़ा मिलता है, ये सब है। पर पैसे से हमें जो है बड़ा बंगला मिलेगा पर चैन नहीं मिलेगा, पैसे से खाना अच्छा मिलेगा पर स्वाद नहीं होगा, पैसे से बड़ा बड़ा बेडरूम होगा पर नींद नहीं आएगी, पैसा वो सुख वो शांति नहीं दे पाएगा जो कृष्ण दे पाएंगे। तो गूगल और पैसे में लोग सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, गूगल में बहुत कुछ सर्च करो पर सुख शांति नहीं मिलेगा, पैसे से बहुत कुछ खरीदो पर सुख शांति नहीं मिलेगा। तो सुख शांति चाहिए तो सीधा कृष्ण से जुड़ो, कृष्ण से जुड़ने के लिए एक पैसा नहीं लगेगा, फ्री, क्योंकि कृष्ण हमेशा हमारे थे है और रहेंगे, कृष्ण हमेशा हमें अपना मानते थे है और मानते रहेंगे, हमारी ओर से देरी है कृष्ण और कृष्ण की ओर से नहीं है। तो अब जो है श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं, इति प्राणाय बद्धाभि गोपी भी कृत रक्षणम् पाया इत्वा स्तनम् माता संन्यावेशयादात्मजाम। बहुत सुंदर बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, कहते प्राणाया बद्ध आभिर, ये प्रेम का जो बंधन है, इस प्रकार का जो प्रेम का बंधन था, कृष्ण के प्रति आकर्षण था, उस प्रेम के कारण जो है वे लोग दौड़े 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 उनके पास गए, और गोपी भी कृत रक्षणम, उनके रक्षा के लिए भागे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। और सब ने कहा इस बच्चे को दूध पिलाओ, इस बच्चे को दूध पिलाओ। कृष्ण कितने दिन के हैं, 6 दिन के हैं, छोटा सा कृष्ण। और ये एक टेक्निक होता है, बच्चा अगर डरा हुआ है, बच्चा अगर बीमार है तो माँ के पास आने से वो दूध नहीं पीता है। पर तुरंत कृष्ण जो था, इतने देर से लगभग 1-2 घंटे का पूरा एपिसोड है, अब कृष्ण भी थक गए, माँ का दूध पी के सो गए। छोटा सा कृष्ण है, पूरा रात जगा हुआ था, इतना फाइटिंग, हाँ वो भी 6 दिन में,
यह कृष्ण कॉन्शियसनेस, यह कृष्ण कथा इतना रोचक है भक्तों के लिए, तो बहुत ही जो है औषधि के रूप में और आनंद दिलाता है। और जो लोग भौतिकवादी है, मनोरंजन चाहते हैं, कृष्ण कथा जैसे मैं पहले भी बताया 5 गानों से युक्त है, युगल गीत, गोपी गीत, भंवर गीत, ये सब सुंदर सुंदर गीतों से युक्त है। जैसे फिल्मों में क्या होता है, अच्छा गीत होता है, फिर मारामारी होता है, थोड़ा कॉमेडी होता है, तो कृष्ण भी बहुत ये सब करते हैं। कृष्ण से बड़ा कोई एक्टर नहीं है, है ना, वो डबल रोल, सिंगल रोल, सब रोल करते हैं। जब ब्रह्म विमोहन लीला होता है तो उन्होंने तो जितने गोप थे और जितने बछड़े थे उन सब का एकदम एग्जैक्ट वो रोल बनाए। तो ये जो है बहुत ही मन को भी जो है रंजन करता है और मन को मंजन भी कर देता है। संसार की कथा भले मनोरंजन दे, मन को रंजन कर सकता है, मनोरंजन में से युक्त हो सकता है, पर मनोमंजन, मन का मंजन नहीं कर पाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से हम दंत मंजन करते हैं, शरीर का मंजन करते हैं, उसी प्रकार का मन का मंजन भी बहुत आवश्यक है। मनोमंजन महत्वपूर्ण है, मनोरंजन के साथ मनोमंजन, ये है कृष्ण भक्ति। दोनों हाथ में लड्डू है, आपको मनोरंजन भी हो गया और मनोमंजन भी हो गया। तो इसलिए भक्ति में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाभ ही लाभ है। दुनिया का जो सुख है भौतिकवादी, खाना पीना, नाचना गाना, ठीक है, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में ऐसा नाचना गाना होता है कि फ्री में नाचना गाना होता है। हमारे जो हो हिप्पी लोग थे, प्रभुपाद जी जब मिले थे, वो लोग नौजवान थे और वो लोग नाचे गाए मनोरंजन में के साथ आए थे, मनोरंजन के लिए आए थे। ऐसा मनोमंजन हो गया कि हिप्पी से वो लोग हैप्पी बन गए, और यही कृष्ण कॉन्शियसनेस रूस में गया तो रूसी से वो लोग ऋषि बन गए, और यही कृष्ण कॉन्शियसनेस जब चाइना गया तो चीनी से मुनि बन गए, और जापान में गया जापानीज लोग जपा करने लगे, और दुखी लोग नाचते नाचते गाते गाते सुखी हो रहे हैं। यह कृष्ण कॉन्शियसनेस। पार्टी में लोग जाते हैं, नाचते हैं, पैसा देना पड़ता है, और नाचते नाचते उनको लगता है वो लड़का इतना अच्छा नाच रहा है, सारी लड़कियाँ उनको देख रही है, इसके लिए वो दुखी हो जाता है। एक तो पैसा भी दिया और दुखी भी हो गया, पर मंदिर में लोग नाचते हैं और खुश होकर जाते हैं, और उसके बाद प्रसाद भी उनको मिल जाता है, सब फ्री है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आपका मनोरंजन भी हो जाता है, आपको पता भी नहीं होगा, मनोमंजन भी हो जाएगा, आपके सारे बुरे आदतें छू मंथर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, निकल जाएगा। लोग बोल गए, अरे क्या हो गया, पहले जैसे जो है गंदे बातें नहीं कर रहे हो, पहले जैसे आवारे जैसे टपोरे जैसे चलने रहो, क्या हो गया, और पहले जैसे हमेशा चिंता में रहते थे, गाली गलौज मारा पीट करते थे, अरे आजकल बहुत सुख लग रहे हो, शांति का मूर्तिमान स्वरूप लग रहे हो, क्या बात है। बात यह है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस से जुड़े हैं, हाँ, इसमें डबल फायदा है, भक्ति और भौतिकवादी। भौतिकवादी में सुख ढूंढ रहे हैं तो नाचो गाओ, कौन मना कर रहा है, पर भगवान के लिए करो। तो यह है भक्ति। तो भक्ति में आपको दोनों लाभ है, मनोरंजन और मनोमंजन, दोनों हाथ में लड्डू है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को जो है तुरंत जो है वो भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है बहुत आनंद दे रहे थे, छोटे से कृष्ण थे, और वो दूध पीते ही सो गया, और इतने में जो है दिन होने लगी और मथुरा से जो है नंद महाराज इत्यादि आने लगे। तावन नंद आदयो गोपा मथुराया व्रजं गातः विलोकया पुतना देहं बभूरति विस्मिता। नंद महाराज और जितने भी गोप, जब तीसरा दिन था, एकादशी के दिन निकले थे,
निकलते 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 वो लोग सोचने लगे, 3 दिन में मथुरा जा कर रहे हैं, ये क्या हम लोग सही जगह पे हैं गोकुल में? फिर देखा, हाँ ये सही जगह पर, ये पहाड़ कहाँ से आ गया? लगता है कुछ उड़ता हुआ पर्वत, हमने सुना था सतयुग में उड़ते हुए पर्वत होते थे, शायद वो यहाँ पे आके टपका तो नहीं गलती से और हमारे वृक्षों को जो है तोड़ दिए होंगे, या वो सोचे थे नहीं 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 हम लोग गलत जगह पे आए हैं, नहीं नहीं, या वो सोच रहे कि क्या हमारे पर जादू टोना हो गया है, क्या भूत प्रेत हमें पकड़ लिया कि हम यहाँ पे पर्वत देख रहे हैं? इस प्रकार से वो विस्मित हो गए हैं। वो लोग पूरी तरह से सोचने लगे कि क्या है क्या है, पर उनको पता नहीं लगा कि ये पुतना का शरीर, रात था तो ये पता भी नहीं लग रहा था। नूनम भता ऋषि संजो जातो योगेशो वा समासहस सा एव दृष्टो हि उत्पातो यद आहा अनक दुंदुबी। नंद महाराज और सारे गोप सोच रहे थे, मेरा भाई वसुदेव अनक दुंदुबी जो है बहुत बड़ा महात्मा बन गया, बहुत बड़ा ऋषि हो गया, बहुत बड़ा ज्योतिष हो गया, वो बहुत बड़ा भविष्यवाणी कर रहा है। हाँ वसुदेव जो है बहुत बड़े महात्मा है, देखो वसुदेव ने जो कहा वो सच हुआ। नंद महाराज बोलने लगे सबको, देखो 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 मेरा भाई वसुदेव जो है, जब उसका उनका जन्म हुआ था आकाश से देवताओं ने जो है अनक और दुंदुबी बजाए थे। अनक का अर्थ है ढोलक, धाम 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 बजाए थे, और अनक दुंदुबी, दुंदुबी का अर्थ होता है एक ऐसा भोंपू जिससे आवाज़ आता है थोड़ा ऊपर की और उसका मुंह रहता है। तो ये बजाकर ये घोषणा भी किया, ये बच्चा जो भी कहेगा वो सच निकलेगा, और देखिए उन्होंने जो कहा वो सच हुआ। तो क्या कहा था वसुदेव ने? वसुदेव ने जो है कहा था कि जाओ जाओ जल्दी जाओ, कंस जो है उनके जो है अनुयायियों को भेजेंगे और बच्चों को मारने के लिए कुछ योजना करेंगे, उत्पात मचाएंगे, जल्दी जाओ। मुझे यकीन, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे आ गए हैं तो वृंदावन में जो है ब्रज में गोकुल में जो उत्पात मचेगा। देखो कितने बड़े ज्योतिष हो गए हैं वसुदेव, कितने बड़े जो है वे भविष्यवाणी हो गए हैं, वो बहुत बड़े तपस्वी भी हैं। तो इस प्रकार से नंद महाराज को ये पता नहीं लग रहा है कि वसुदेव जो है ऐसा नहीं कि भविष्यवाणी किए थे, पर नंद महाराज जो है राजा है, राजनीति है, ये राजनीति में एक नियम होता है खबर दुश्मन की, हमेशा दुश्मन का खबर लेते रहते हैं। जैसे युद्ध होता है तो दुर्योधन सबसे पहले भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से कहते हैं खबर दुश्मन की, देखो अर्जुन भीम का सेना किस प्रकार से बना हुआ है। और अर्जुन भी जब अपना निरीक्षण करने जाते हैं तो पहले दुश्मन का खबर लेते हैं। तो ये राजनीति का, पॉलिटिक्स का या युद्ध का एक नीति है, पहले दुश्मन का खबर लेना है। तो क्योंकि ये राजा हैं तो वसुदेव जो था 6 दिन पहले, वसुदेव 6 दिन पहले कैदी था, कारागार में था, और कृष्ण जन्म के बाद जब उन्होंने देखा उनका बेटा नहीं बेटी हो गया, और वो भी बेटी को जब उस पत्थर के ऊपर मार के ख़त्म करना चाहते थे, वो चट्टान जिसके ऊपर वसुदेव बैठकर स्नान करते थे जब कारागार में थे, उस चट्टान के ऊपर उस बच्चे को फेंक रहे थे, तो बच्चा जो है 8 फीट के ऊंचाई से 4 फीट तक जाई ठक करके हवा में उड़ने लगी और एकदम से दूर जाकर बड़ी हो गई और अष्टभुजा दुर्गा के रूप लेकर आई। तुरंत दंडवत प्रणाम अर्पण किया कंस ने,
फिर देवी ने कहा, व्यर्थ बच्चों को मारो मत। बोला देवी क्षमा करो, क्योंकि कंस जो था किसका अनुयायी था, किसका भक्त था? वो दुर्गा का अनुयायी था और रावण शिव जी का अनुयायी था, और हिरण्यकशिपु वे जो है ब्रह्मा जी के अनुयायी थे। तो इस प्रकार से जो है दुर्गा जी ने कहा, आपको मारने वाला जो बच्चा है वो पहले से जन्म लिया, इसलिए और कुछ करो मत। अब कंस जो है देवी को प्रणाम किया और अपने भाई अपनी बहन कौन वो देवकी से कहा, मुझे क्षमा करो, अपने जो है बहनों ही से कहा कि मुझे माफ़ करो। तो इस प्रकार से माफ़ी मांगा, पर कंस ये सोचने लगा, आज तक मैं सोच रहा था कि मनुष्य ही झूठ बोलते हैं, पर अभी पता लगा देवता भी झूठ बोलते हैं। देवताओं ने घोषणा किया था कि आठवां बच्चा मारेगा, देवताओं ने क्या घोषणा किया था, आठवां गर्भ उसको मारेगा, पर वो सोचा कि आठवां बच्चा जो है लड़का होगा, पर ये लड़की निकली। तो थोड़ा बोला कि अच्छा, माफ़ी मांग कर वो जाता है, पर कंस जो था योजना बनाने लग गया, अगर बच्चा जिंदा है तो उसे मारने के लिए जो है उन्होंने सबसे बड़ा मीटिंग बनाया, जिसमें प्रलंबासुर, अगासुर, पूतना, और पूतना सबसे खतरनाक थी, उनको सुपारी दिया, मारो इसको। सुपारी फिर बोला कि ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, और काम होने के बाद और मिलेगा, कोई बात नहीं। तो पूतना का जाना बहुत खतरनाक था, क्योंकि वो सबसे खतरनाक थी। तो मैं कह रहा था कि कंस जो था, अनक दुंदुभी जो थे राजा हैं, वो जैसे ही उनको कारागार से मुक्त किया, क्योंकि राजा थे, तो उन्होंने अपने गुप्तचर को भेजे किसके पास, कंस के महल में, और वो गुप्तचर जो हैं कंस का जो मीटिंग है उसका कबर किसको दिया, वसुदेव को। मुझे आज भी याद है, देखो ये राजनीति है, ये जो है राजनीति है। मुझे आज भी याद है कि जब हम फौज में थे तो हमारे बटालियन बोलते हैं उसको, बटालियन, उस बटालियन में कम से कम 600 लोग हैं, 600 जवान हैं, और 600 जवान को संभालना आसान बात नहीं। तो बटालियन कमांडर जो होता है उसको जो है कमांडिंग ऑफिसर CO भी कहते हैं। तो उनके चार खास गुप्तचर होते हैं, चार डिपार्टमेंट होता है, चार कंपनी होते हैं। तो एक एक कंपनी में ये लोग जाते थे, एक एक कंपनी में लगभग 150 होते थे, और वो लोग उनके साथ घुल मिलते थे और देखते थे कौन जो है अच्छी तरह से नियम का पालन कर रहा है और कौन उत्पात मचा रहा है, खबर निकालता था। ये राजनीति है, जैसे टेंपल प्रेसिडेंट होता है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में कुछ अपने अपने खास गुप्तचर को रखेंगे, और गृहस्थ कॉन्ग्रीगेशन वालों में भी गुप्तचर रखेंगे, बोलेंगे ये लोग देखो बोलते हैं कि कंटीमाला डालते हैं पर फिल्म देखने जाते हैं, अच्छा ठीक है खबर मिलता है। और ब्रह्मचर्य आश्रम बोलता है, अरे ये ब्रह्मचारी जो है बहुत अच्छा है, टाइम से उठता है, टाइम से सोता है, अरे वो ब्रह्मचारी जो है वो जपा टाइम में पीछे से गायब हो जाता है और आश्रम में सोता है, गुप्तचर पूरा खबर निकालता है। फिर वो टेंपल प्रेसिडेंट जो है अध्यक्ष अपना जो काम करता रहता है। तो यह है राजनीति। तो इस प्रकार से हमने देखा है, क्योंकि फौज में हम थे, पर प्रभुपाद जी जब जे थे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस प्रकार का कोई राजनीति नहीं, उन्होंने भक्तों को खूब प्रेरणा दिया और भक्तों को खूब प्रेम दिया, और उनसे जो है प्रेम से सेवा जो है और सेवा प्रचार जो है उस प्रकार में लगाए। उन्होंने इस प्रकार से खबर लेने के लिए कोई गुप्तचर को रखे नहीं, ये एक अलग व्यवहार है, क्योंकि प्रभुपाद जी जो है इस जगत के नहीं, वो आध्यात्मिक जगत के हैं, भक्ति से भरे हुए हैं। हाँ, लोगों को नियंत्रण करने के लिए राजनीति है, फिर एक होता है प्रेम। प्रभुपाद जी ने प्रेम के द्वारा सबको जो है अपने बंधन में रखा था, पर यहाँ पे वसुदेव जो था राजा था, और उन्होंने खबर निकाला था, बोला जल्दी जाओ उत्पात मचेगा, पर
देखिए वसुदेव एक भाई है, वो क्षत्रिय है, और नंद महाराज भी भाई है, पर वो क्या है, वो वैश्य है, वो क्या है, कृषि गोरक्षक, वो गोरक्षा में लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो फर्क कि नंद महाराज कितने भोले हैं। उनको ये भी ये नहीं लगा कि वसुदेव, उनको लग रहा था कि वसुदेव जो है बहुत बड़ा ज्योतिष है या बहुत बड़ा तपस्वी है और उनका भविष्यवाणी सच आ रहा है, वो बहुत बड़ा महात्मा है। भले हमारे हमारे जो है राजगुरु अभी वसुदेव हो गए, ऐसे करके उनका गुणगान कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है कि अगर कोई भक्त 12 साल, कितने साल, 12 साल लगातार रोज मंगल आरती आएंगे और अच्छी तरह से जप करेंगे, उस भक्त के मुंह से जो भी आएगा वो सच होगा, सिद्धि मिल जाता है 12 साल पर लगातार, बीच में हॉलीडे नहीं। भक्तों के लिए तो रोज़ हॉलीडे, हॉलीडे का अर्थ होता है होली डे, होली यानी कि पवित्र दिन। हमारे लिए तो रोज़ जन्माष्टमी है, हाँ भक्तों के लिए तो रोज़ जन्माष्टमी है, रोज़ रथ यात्रा है, रोज जो है उत्सव ही उत्सव है। तो यह है रोज़ हॉलीडे है, हाँ हॉलीडे है। तो इस प्रकार से वो लोग बोल रहे हैं कि नंद महाराज ने सच कहा, देखो ये, और उन लोग को तुरंत उस वक्त खबर मिल रहा था, सब बोल रहे थे रात को ऐसा ऐसा घटना हुआ और ये पूतना जो है कृष्ण को लेकर आई थी, दूध पिलाने का प्रयास की थी और अचानक जो है वो मर गई। तो बोल रहे थे अच्छा ये बात है। तब नंद महाराज, उपनंद उनके बड़े भाई, सब कहा कि ये जो राक्षसनी है, पिशाचनी है, पापनी है, इसके शरीर के अंग के टुकड़े टुकड़े करो। इसके दो कारण था, क्योंकि जब सांप होता है, वो सांप अगर उसको मारते हैं तो उसको जलाने जब जाते हैं, हो सकता है ताज़ा हवा लगने से वो मरा हुआ सांप में फिर से जीवन आ सकता है, आत्मा आके रह सकता है और वो जिंदा हो सकता है। इसलिए सांप को जब मारते हैं तो उसके शरीर के टुकड़े 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 कर जाते हैं और फिर जला देते हैं। तो कहा कि इसके टुकड़े टुकड़े करो। और दूसरा कारण, क्योंकि इतना बड़ा 24 किलोमीटर लंबाई और कम से कम 20 किलोमीटर चौड़ाई, फिर हाथ पांव ये सब, इनको जलाना मुश्किल है। तो ब्रज के जो अन्य वासियों थे उनको बुलाया, बोला कि इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करो। कलेवरम पराशुभि चित्वा तत्ते ब्रज उक्ष दूरेश वया वसु न्यादाहान काष्ट वेष्टीतम। बड़े बड़े परशु को लेके आओ, परशु जानते हैं आप लोग, परशुराम जो ऐसे बड़ा कुलाड़ी जैसा होता है, बड़े बड़े लेकर आओ और इसके शरीर के, हाँ एक कम से कम 100 लोगों को लगाया, इसके पाँव को काटो और दूसरे पाँव को काटने के लिए और 100 लोग को लगाए, हाथ को काटने के लिए 100 और गर्दन को काटने के लिए 200 और बाकी शरीर छाती इत्यादि को टुकड़े टुकड़े करने के लिए कम से कम 300 लोग लगाए थे। और ये लोग जो है उनका नाम है व्रज उक्षक, व्रजोकस, यानी कि जो नंद महाराज को, ब्रजवासियों को, जो लोग दूध का गाय का सेवा कर रहे हैं उनको मदद करने वाले जो लोग थे उनको बुलाए थे। कम से कम 1000 की संख्या में आए थे सब लोग। उस वक्त ड्रिलिंग मशीन वगैरह हुआ नहीं करता था, ड्र करके काटे, तो सब लोग परशु को लेके काट रहे थे, खचा खच खचा खच खचा खच। और ये सब होते 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 लगभग सुबह के 12 बज गए। फिर बोले कि इसके शरीर को जलाओ। दायमानस्य देहस्य धूमा अग्रु सौरभ उतित कृष्ण निर्भुक्ता सापादी आहत पापना। कहते हैं कि जब जलाया था एक अद्भुत घटना घटी, सब लोग सोचने लगे इतना चंदन का सुगंध कहाँ से आ रहा है।
जब शरीर को जलाया जाता है भूख आता है, बदबू आता है, और ये तो कितना मटन चिकन और मनुष्य का मांस रक्त पी थी, प्यास लगते ही हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भाव संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तापित श्रील प्रभुपाद जी के यह 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य, आपने कुछ नहीं किया दिया वैकुंठ के जो वासी उनको कितना देंगे। परमात्मने वाले को अगर 10 करोड़ रुपया देता है तो सेवा करने वाले को अरबों करबों देंगे, है ना। तो वो कृष्ण कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि पूतना जिन जो मारने आया था उनको इतना दिया, तो जो भक्त लोग सेवा करेंगे उनको कितना देंगे। तो क्यों नहीं हम इधर उधर जाने के बदले और मार खाने से अच्छा भगवान के पास आए। ये भगवान का स्वभाव है, वो देना चाहते हैं, देना चाहते हैं, देना चाहते हैं, बहुत देना चाहते हैं, बस हमें उनके पास जाना चाहिए। सुदामा जब पोरबंदर से द्वारिका पहुंचे, अब भगवान ने उनके पोटली से वो सूखा टेस्टलेस कड़क चूड़ा तांदूल लिया और हाथ से खाया, तो रुक्मणी देवी देखती रह गई। और दूसरा लेने गए तो रुक्मणी देवी ने मना कर दिया, बोला अगर आप ही खाओगे, आंखों से एक बात कर रही है मुंह से दूसरी बात कर रही है, बोला अगर आप ही खाओगे, हम इतने सारे रानियां हैं 16108 कि हमको नहीं मिलेगा, इतना टेस्टी चीज़ खा रहे हैं। फिर दूसरा आंखों ही आंखों से कह रही है, देखिए ये तो चूड़ा इतना कड़क है, आपका जो गाल है उसमें जो है छाला पड़ जाएंगे और पेट में जाने के बाद दर्द करेंगे, आपका पेट कितने कोमल है, आपके मुँह कितने कोमल है। फिर इशारा कर रही है, देखिए आपने चूड़ा दे दिया, ले लिया तो पूरा वैकुंठ जो है उसका मालिक आपने किसको बना दिया, सुदामा को बना दिया, आप उनके ऋणी हो गए, उनके सेवा के। अब दूसरा मुट्ठी आप लोगे, वैकुंठ के जो वासी हैं उनको भी सुदामा के प्रति समर्पित कर दोगे, वैकुंठ को तो समर्पित कर दिया। तो देखिए स्वामी, हमें आपका ही पति, हमें आपको ही सेवा करना है क्योंकि आप हमारे पति हैं। अब हमें और एक मुट्ठी खाओगे तो हमें सुदामा का सेवा करना है, हम सेवा करने के लिए तैयार है, पर फिर भी थोड़ा सा और सेवा करने का मौका दीजिए। तो भगवान मुस्कुराने लग गए, ओके ओके नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से भगवान का, तब सुखदेव गोस्वामी महाराज लिखते हैं, ये भगवान का स्वभाव है, भगवान के लिए थोड़ा सा अगर हम करते हैं तो भगवान सोचते हैं बहुत किया है, बहुत किया है, बहुत किया। भगवान के मंदिर में कोई जाके एक पैसा डालता है तो भगवान सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा काम किया, इतने जन्मों से इतना गलत काम किया, आज उन्होंने सही काम किया, वो छोटा सा काम को इतना बड़ा मानते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। चूड़ा क्या खाया, वैकुंठ दे दिया, बहुत बड़ा मानते हैं। और संसार के लोग कैसे हैं, और भगवान जो है इतना, दूसरी बात क्या कहते हैं, भगवान बहुत देते हैं, सोचते हैं मैंने मेरे भक्त को बहुत ज़्यादा नहीं दिया है। देखिए भगवान कितने दयालु हैं, थोड़ा सा करते तो भगवान बहुत मानते हैं, छप्पड़ फाड़ के देते हैं। सुनते हैं ना हम लोग, जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं,
और बहुत देने के बाद भगवान सोचते हैं मैंने बहुत कम दिया था। रुक्मणी से कह रहा था कि मैंने बहुत कम दिया, बोला रुको रुको और ज़्यादा मत दो ये ब्राह्मण के लिए इतना काफ़ी है, नहीं तो वो बहुत जो है ज़्यादा दोगे तो घमंडी हो जाएगा। बोले भगवान बोला ठीक है ओके एक्सेप्ट। पर भगवान का स्वभाव है बहुत देने के बाद भी लोग सोचते हैं, पर संसार के लोग देखिए जीवन भर आप अपने परिवार का सेवा करो, परिवार बोलेंगे आपने किया क्या हमारे लिए। बहुत देने के बाद करने के बाद भी लोग बोलेंगे आपने कुछ नहीं किया। और संसार के जो व्यक्ति जो है सोचता है कि मैंने बहुत किया, पर मेरे परिवार वाले सोचते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं भगवान कितने दयालु है, क्यों हम इधर उधर भटक रहे हैं और भगवान के इस देन को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो जहर दिया उनको इतना बड़ा पुरस्कार दे रहा है, तो सेवा करने वाले को कितना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। ये कहते हुए कहते हैं कि पादाम्ब्य भक्त हृदय स्ताभयम् वंदयाभ्यम लोक वंदिता अंगम यश समाक्रम्य भगवान अपि तत् स्तनम् या तु दानी अपि सा सर्गम अवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्ता स्तन कृषि किम उगाऊ अनुमंतरा। एक और सुंदर बात कहते हैं कि भगवान जिनके चरण कमलों को ब्रह्मा शिव गणेश सुरेश महेश ध्यान लगाते हैं, वो भगवान पूतना के छाती में को जबरदस्ती लात मार रहे थे और उसके स्तन को पकड़े थे। कितने भाग्यशाली हैं यह पूतना। और ये पूतना को इतना बड़ा दर्जा दिया है, जिन्होंने थोड़ा सा दूध पिलाया, दूध में जहर मिला के दिया तो भी इतना बड़ा दर्जा। आगे कृष्ण जो हैं यशोदा मैया रोहिणी माता तो उनको दूध पिलाए, जितने भी ब्रह्म विमोहन लीला में बहुत सारे जितने भी ब्रजवासी थे, हाँ माताएं थे, उनके बच्चे जो हैं ब्रह्मा जी के द्वारा गुफाओं में जो है बेहोशी की अवस्था में गुफा में रख दिए गए थे, वो एक साल तक रोज कृष्ण जो है डुप्लीकेट बनकर गए उनके घर पे और उस माँ के स्तन से दूध को पिया। तो उन माँओं का क्या गति होगा, उनको कितना सुख मिलेगा, उनको कितना आनंद मिलेगा। अगर पूतना को गोकुल मिला है, पूतना को गोलोक मिला है, तो उन माताओं को क्या मिलेगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उनको गोलोक से भी ऊंचा स्थान मिलेगा। अब गोलोक से ऊंचा क्या है, पूरा आध्यात्मिक जगत का राजधानी गोलोक है, वृंदावन है। जैसे भारत का राजधानी दिल्ली है, वैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड वैकुंठ का कैपिटल गोलोक है। कहते हैं कि गोकुल जो भौम वृंदावन है, भूमि में जो वृंदावन है उसमें जब कृष्ण लीला करते हैं उसमें इतना आनंद आता है कि वो गोलोक में जो सुख है उससे भी ज़्यादा। तो उन माताओं को फिर से गोलोक में भगवान की लीला में भाग लेने का सुअवसर मिलेगा। तो भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, बहुत सुख देना चाहते हैं। भक्तों को चाहिए कि और ज़्यादा भक्ति करें, और जो अभक्त हैं उन्हें चाहिए कि भक्त बने और प्रभुपाद जी के आंदोलन से जुड़े, अपने जीवन को सार्थक करें, प्रभुपाद जी को ग्रंथ पढ़ें, औरों को प्रभुपाद जी के ग्रंथ दें, उन्हें भी प्रभुपाद जी के ग्रंथ के प्रति आकर्षित करें, पढ़ाए और अच्छे भक्त बने, औरों को अच्छा भक्त बनाए और अपने जीवन को सार्थक करें। दिन दुगनी रात चौगनी सुख प्राप्त कीजिए और औरों को दिन दुगनी रात चौगनी सुख प्रदान कीजिए। अच्छे भक्त बनिए, औरों को भक्त बनाइए, सुखी रहिए, औरों को सुख प्रदान करते रहिए और इस प्रकार से प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके, भगवान को प्रसन्न करके अपने जीवन को धन्य कीजिए। यह केवल कृष्ण भावना भावित जीवन में, कृष्ण भावना भावित जीवन यानी कि कृष्ण भावना भावित आंदोलन में जुड़कर हम प्राप्त कर सकते हैं। इसे
आप अपने हाथों से छूटने मत दीजिए। यह शीघ्रातिशीघ्र कृष्ण भावना जीवन आंदोलन से जुड़िए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए और औरों के जीवन को भी सार्थक कीजिए। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सबको मिले श्री वृंदावन धाम। तो सबको खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद।